नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे भी 2023 का सीयूटी देना चाहते हैं और उसके बाद आने वाले 4-5 सालों बाद यूपीएससी करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे कमेंट्स मिला कि सर हमें यूपीएससी करना है और यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्लीज आप सजेशन दीजिएगा। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, हर एक पॉइंट्स को आप समझिएगा और फाइनली उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए यूनिवर्सिटीज का चुनाव करिएगा। ओके, देखो जब भी यूपीएससी की बात होती है तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी बस आपके ग्रेजुएशन की डिमांड करता है, यानी आपका 55% से ज़्यादा होना चाहिए और इसकी कुछ अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो फाइनली आपके ग्रेजुएशन की डिमांड करती है, ना कि यूनिवर्सिटी की डिमांड करती है। लेकिन बात आ जाती है कि सर यूनिवर्सिटी के दरमियान हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटी का जो वेटेज है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आप सबसे पहले अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी का ही यहां पे चुनाव करें। अब ड्रीम यूनिवर्सिटी का चुनाव कैसे करेंगे, तो आप ये देखो कि आपने हमेशा से किस विश्वविद्यालय में पढ़ने की कोशिश करी है, उस विश्वविद्यालय के सपने देखे हैं, क्योंकि आपका मन वहां लगेगा, आपका पैशन कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे में आप वहां ज्यादा अच्छा से मन लगा के पढ़ाई कर सकोगे। और दूसरी बात, अब ड्रीम यूनिवर्सिटी है तो आप हर चीज को ध्यान में रख के ही उसको ड्रीम यूनिवर्सिटी बनाए होगे, जैसे कि वो नजदीक में होगा, वहां की फीस ठीक ठाक होगी, उसका एनवायरमेंट कल्चर जो है आपको फेवर कर रहा होगा। तो ऐसे में ड्रीम यूनिवर्सिटी, इट मीन्स कि मैं और क्लियरिफाई कर दूं, BHU बहुत सारे बच्चों का है वो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, कॉमेंट भी करिएगा, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों का है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेकंड नंबर पे इसलिए रख देता हूं क्योंकि फीस के हिसाब से और एनवायरमेंट के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी सही है। एनवायरमेंट मींस राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए वहां पे डिग्री के साथ बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है। ध्यान देना है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आप जब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो एक साल के बाद, फिर उसके बाद जो आपका दूसरा और तीसरा या चौथा साल है ग्रेजुएशन का, वो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने के लिए सबसे फेवरेबल समय होता है। मान लो पहला साल मैं इसलिए छोड़ रहा हूं जिससे कि आपको एनवायरमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप उसको एडजस्ट कर सको। लेकिन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको 100% पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन में। तो ऐसे में आप कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहयोग लीजिएगा और साथ ही साथ कुछ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का हेल्प लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी जो आई थी कि सबसे बेस्ट कौन सी है, वो ऐसे में BHU भी हो सकती है और इलाहाबाद भी हो सकती है। अब मैं बात करता हूं दिल्ली के जो यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली में जो भी हैं, चाहे GMI हो, चाहे DU हो, चाहे JNU हो, और उसके बाद भी बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हो, GMI टॉप कॉलेजेस में आता है मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए, क्योंकि उनका खुद का अपना एक रेजिडेंस प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म है, वो खुद अपनी प्रिपरेशन कराते हैं यूपीएससी के लिए। आप मेरे से पूछते हो कि सर क्या BHU में ऐसी फैसिलिटी है, BHU में भी देख करके एक यहां पे अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, लेकिन वो बस SC और ST यानी जनरल OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए नहीं है, अभी वो बस लोअर कास्ट के बच्चों के लिए है। तो ऐसे में GMI में भी एंट्रेंस होता है, लेकिन आप अपना एक सपना बना सकते हो कि GMI में अगर जाते हो तो आपको हो सकता है वो फ्री वाला कोचिंग मिले, और साथ ही साथ हो सकता है कि आप वहां कुछ ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो यदि आपका वहां पे नहीं होता है तब। साथ ही साथ DU और DU के जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहां पर भी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये मिल सकता है कि आप अपने यूपीएससी का माहौल क्रिएट कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। लेकिन DU वही बच्चे चुनाव करें जिनके पास पैसे की कमी ना हो, जिनके घर वाले पैसे अफोर्ड कर सकते हैं और वो खुद वहां तन्मयता का, उस एनवायरमेंट का, माहौल का पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसा शहर हर किसी के फेवरेबल नहीं है। ध्यान देना, चाहे एनवायरमेंट की बात करो, चाहे पैसे की बात करो, चाहे माहौल की बात करो। तो ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली के आसपास यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो प्लीज अपने घर वालों से और खुद से एक बार जरूर बात कर लीजिएगा कि आपको चुनाव वहां करना है कि नहीं करना है। बाकी इंडिया के अलग अलग स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आप उसका चुनाव नजदीकी के आधार पर करें, यानी आप जैसे असम से हो तो आप असम के आसपास के कुछ यूनिवर्सिटीज को चुनाव कर सकते हो, आप साउथ इंडिया से आते हो तो साउथ इंडिया के कुछ यूनिवर्सिटीज के चुनाव कर सकते हो, आप बाकी किसी स्टेट से आते हो तो उस स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का चुनाव कर सकते हो। लेकिन एक जो जनरल आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा वो यही है कि आप
BHU, इलाहाबाद, इन सब यूनिवर्सिटीज में जनरली पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ की फीस बहुत कम है। आप पूरा ग्रेजुएशन 10,000 रुपए में कर लोगे यदि आपको FMC मिल जाता है तो। बाकी रहने खाने पीने का जो लगभग रेंट खर्चा है वो चाहे इलाहाबाद हो चाहे BHU, दोनों ही शहर लगभग सेम ही आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन बाकी शहरों के लिए आप एक बार उस शहर के वीडियोस देख लो और वहां के ग्राउंड रिपोर्टिंग वीडियोस देखो, वहां के बच्चों का जो नेचुरल टॉक है वो देखो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको उस विश्वविद्यालय में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बाकी आप कमेंट करना, आपके और भी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं सही करूंगा, उस पर बातें करूंगा और आपके डाउट क्लियर करूंगा। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है कि यदि एक लड़की एडमिशन लेना चाहती है और UPSC की तैयारी करना चाहती है तो लड़कियों के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट है, क्या स्पेशल गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, क्या कोएडेड कॉलेज होना चाहिए, या BHU इलाहाबाद उनके लिए कितना फेवरेबल है, इन तमाम चीजों पे हम लोग आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और BHU पाठशाला का हर एक वीडियोस देखते रहें, मुस्कुराते रहें। BHU पाठशाला का चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। BHU पाठशाला पे कोर्स रन कर रहा है मात्र 999 रुपए में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, अपना कॉल घुमाएं और डायरेक्टली बात करके सेटिस्फाई होके और अपना कोर्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहें।